हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे गाइज। और आज था इलेक्शन डे, तो फाइनली मैं सुबह मॉर्निंग में इलेक्शन का वोट अपना देकर आ चुकी हूँ। अपना नागरिक होने का मैंने अपना कर्तव्य अदा कर दिया। और फाइनली आज ना छुट्टी थी, तो मैंने सोचा आज क्या ही किया जाए। अभी हमारे यहाँ आंटी की लड़की आई हुई है कानपुर से, वो भी आज उसको पता नहीं क्या हुआ, वो किसी के आ गई है, वो भी वहीं रुक के रह गई। मैंने सोचा चलो आज उसके साथ थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो कानपुर से देखती रहती है। तो ये कहती रहती है, दीदी तुम तो जब मैं रहती थी यहाँ पर, जब तुम कुछ भी नहीं करते थे, अब तो तुम इधर उधर घूमने भी जाते हो, कुछ ना कुछ बनाते रहते हो, मेरे टाइम पर तुम कुछ नहीं क्या करते थे। तो मैंने सोचा चलो अब वो आई है, क्योंकि यार ऑफिस के साथ में सारी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो आज छुट्टी मिली थी, मैंने सोचा चलो आज उसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। बट आज वो ही गायब हो गई है। और अभी फिलहाल मैं छत पर आई थी थोड़ा सा डांस सीखने के लिए, क्योंकि वो आंटी जो वायरल हो रही है ना गुलाबी साड़ी वाली, तो उनको देख के ना मेरा भी मन गया कि चलो यार मैं भी थोड़ा सा डांस करके देख लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। वैसे मुझे बहुत अच्छा आता था डांस, पहले मैं बहुत एक्सपर्ट थी डांस में, क्योंकि जब हमारे यहाँ टीवी चलती रहती थी ना, तो जो भी सॉन्ग आते रहते थे 9X वगैरह पे, तो हम ना देख देख के वो सब कुछ ट्राई करते रहते, तो हमें सारे स्टेप आते थे बहुत अच्छे से। अब तो हम जब गाने ही नहीं सुनते, तो हमको ये नहीं पता होता कि वो गाने में क्या बोलने वाला है, तो हमें उसके स्टेप भी याद नहीं रहते। लेकिन उन आंटी को देख के मेरे अंदर से फिर से वो जिज्ञासा, उमंग, और इनमें से जो भी वर्ड ठीक लगे वो आप एडजस्ट कर लेना, मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बड़ी बकवास है, तो वही कुछ ऐसा आ रहा है अंदर से। तो मैं वो वाला डांस उनको उनके जैसे सीखने का ट्राई किया है, मैंने थोड़ा बहुत सीख भी लिया है। अभी मैं फाइनल आपको डांस ना लास्ट में दिखाऊंगी साड़ी वाड़ी पहन के। और अभी राहुल बना रहा है नीचे मैगी, अभी आपको मैं दिखाती हूँ उसकी कुकिंग कैसी चल रही है आज। गाइस यहाँ किचन में कुछ कारिस्तानी चल रही है। ओ वाओ, इधर बन रही है ये पे। इसका लारा में कंटेंट बनाना सही है, उसके लिए आदमी भूल जाता है ना। वो बात कर रहे हैं जिनका कोई कंटेंट ही नहीं है। मेरा कंटेंट देख लिया ना, वो छोड़ जाएंगे, वो तो चल नहीं रहा, जाके देख लो। तो भाई गए, भाई बात तो सही है, वीडियो तो बहुत अच्छी बनाता है, वो अलग बात है कि चलती नहीं है। और मैं भी एक बात बता दूं, मेरे इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स में इतने मैसेज भरे रहते हैं, हमें आपकी वीडियो इतनी अच्छी लगती है, हमें आपकी वीडियो बहुत पसंद है, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे, आप वीडियो डालो। और जब मैं वीडियो डाल देती हूँ तो कोई देखता ही नहीं। हमारे घर में बस यही है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करता। जब भी मैं कुछ बात बड़ा पाव बना रहा हूँ, सारे घर में कोई ना कोई बोलता रहता है। बड़ा पाव बना रहा हूँ, इसलिए बड़ा पाव नहीं लगे। भैया आप साइड में हो, चलो साइड में जाओ, चार नहीं मिलेंगे, चार बैग नहीं होंगे। चलो वैसे मन मेरा भी है एक चाय का खिलाफ, बढ़िया लग मैगी सब छुपी लग रहा है। मसाला खा गए, तू भी देख, तू भी देख यार कम पड़ जाएगा भाई। अभी इधर सिर्फ एडिटिंग ही चल रही है, और गाइस किचन में से खुशबू आ रही है कि बस पूछो मत। चल क्या रहा है, ऐसा क्या ही बना रहा है ये? तो प्याज ही, ये पे ही बना रहा है ना पक्का। अभी तो बस प्याज ही भूंजी है इसने, घी में बना रहा है। जब भी खुशबू आ रही है, ये ले, ये हमारे मास्टर शेफ राहुल। कुकिंग अगर इस हिसाब से करोगे तो खाना ऑब्वियस सी बात है बहुत ही टेस्टी भी बनेगा और बढ़िया भी। क्या चाहिए? यिप्पी ठेले पे तो मैं यिप्पी बना के गरम हो गया। अब ये तो बाहर निकलने वाला। तो ये गाइस आप देख सकते हैं थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत होगी, क्योंकि इधर मशीन भी चल रही है और उधर कूलर भी, बट कोई बात नहीं, सह लो थोड़ा सा, हम भी सहते आ रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा जो मोबाइल है बहुत जल्दी ब्लर मार जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन देखो यार बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है देखने में। और नहीं भी होगी तो अभी हम रिव्यू अच्छा ही देंगे, ऐसा करने के लिए मेरे भाई ने मुझे कितने बजे फोन कराया। अगर बुरा बोला तो कैसी है? कैसी है? बहुत टेस्टी है, खाई भी नहीं है बिना खाद। तो गाइस अभी मैंने नहीं है लैपटॉप में लगा लिया है गाना, वो जो पिंक कलर में साड़ी में जो आंटी डांस करती है बड़ा मस्त वाला, तो अभी मैं उनके जैसा स्टेप आप पहले मैं सीखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है किसी में डांस में। तो अभी मैं इसका ना वॉइस ओवर रखूंगी डाउन, या फिर क्या रखूंगी, मतलब कुछ दूसरा वॉइस ओवर रखूंगी, क्योंकि अगर मैं यही वाला गाना चलाऊंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, बट मैं कोशिश करती हूँ, और जब अगर मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं कर सकती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी में करूंगी। I want it.
ट्रेंड निकल जाएगा, बट मुझे ना ये डांस करना नहीं आएगा। बट फाइनली मम्मी ने निकाल दी है साड़ी गुलाबी कलर की, क्योंकि ये हमारे घर में साड़ी थी ना, इसलिए मुझे याद आया कि यार सारे लोग गुलाबी साड़ी में अगर पहन के बना रहे डांस, तो मैंने भी साड़ी पहने हुए कम से कम 1 या 1.5 साल हो चुका है। मैंने जब एक बार वो वीडियो बनाई थी ब्लाइंड फोल्ड साड़ी चल, उसमें साड़ी पहनी थी, तो उसके बाद से मैं आज ही साड़ी पहनने वाली हूँ। एज यूजुअल साड़ी है, ब्लाउज नहीं है, ऐसा ही लास्ट टाइम था, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पहन लेंगे। तो गाइस पीछे से थोड़ी बहुत आवाज आई, कोई बात नहीं, क्योंकि पूरे घर वाले हमारे आस पास बोल रहे हैं। और अभी हम पहनेंगे ये वाली साड़ी, अभी तक तो उल्टे पल्ले की साड़ी पहनी है, आज पहन दूंगी मैं सीधे पल्ले की साड़ी। ये है हमारी इतनी कमर, आज मैं आपको साड़ी पहनना भी सिखा दूंगी, चाहे मुझे आता हो या ना आता हो साड़ी पहन के। लेकिन डांस होगा कैसे, मुझे पूरी साड़ी में गाइस बस प्लेटें बनानी आती है सही, बाकी मुझे साड़ी पहनने का भी थोड़ा कम ज्ञान है, ज्ञान मुझे हो चुका था पहले, मैं फिर से भूल चुकी हूँ। जैसा कि आपको बताया था, पहले स्कूल में साड़ी ही पहन के जाया करती थी जब मैं टीचिंग के लिए जाती थी। अब ऐसा होती सीधे पल्ले की, अब इसको ऐसे बांध रखा है आंटी ने, मैं लगती हूँ ये हाथ ही नहीं निकलेगा बाहर, ये हाथ उठा रहेगा गुलाबी साड़ी आई है। तो गाइस कुछ ऐसी गाइस क्या लगा यार, आज कंटेंट बनाने के लिए गिर चुके हैं पूरी तरीके से भाई, आज हम असली किरदार में, आज आज मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों हम फेमस होने वाले हैं आज, क्योंकि जब तक पब्लिक अपनी शर्म नहीं खोता तब तक फेमस नहीं होता। आज ही मुझे काम करने जा रही है, अरे मैं थोड़ा ज्ञान तो देने दो यार। भाई भाई फुल सपोर्ट हो रहा है इस रील के लिए, इस रील के लिए लाइक कर दो, दबा के लाइक एंड सेलेक्ट होके जमा। आज तो मैंने ट्रेंड भी फॉलो कर लिया, वो अलग बात है ट्रेंड जा चुका। चलो भाई चलो ना, चलो ना जा ये साड़ी तो पूरी दिख रही थी। सुपर गए, जब जा रहे थोड़ा सा छत पे, नीचे क्वालिटी थोड़ी लाइट में ऐसे ही आ रही है ना, तो अभी छत पे देखते हैं थोड़ी बहुत क्वालिटी वहाँ ठीक आ रही है, तो वहाँ चलते हैं। बिना ब्लाउज के पता नहीं थोड़ा सा अजीब लगता है, बट कोई बात नहीं, सबका अपना अपना ट्रेंड है, मेरा बिना ब्लाउज का मतलब टॉप का ट्रेंड है बिना ब्लाउज का नहीं। यहाँ आए उजाला और यहाँ, अरे यहाँ यहाँ तो पब्लिक है यार, पब्लिक है उधर पब्लिक। तो गाइस अभी हम आ गए हैं छत पर, और अब छत पे देखिए बहुत सारे कपड़े 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 कड़े, और थोड़े से हमारे फैन भी खड़े हुए हैं ऊपर छत पे, बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ से, बहुत देर से देख रहा हूँ, रील बना रहे हैं हम लोग। अब हमने एक बार छत पे करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी ठीक आई है। फाइनली गाइस हमारी एक रील भी बन चुकी है, और हमारा कंटेंट भी कंप्लीट हो चुका है। वैसे ट्रेंड जा चुका है, लेट हो चुका है काफी ज्यादा, क्या करूँ मैं बिजी ज्यादा रहती हूँ पहनी, लेकिन बहुत कोशिश, एक हफ्ते से बोलते बोलते आज मैंने अपने ट्रेंड कर ही लिया। ए ग्राम मत दियो सॉरी मैम, मम्मी बताओ मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, साड़ी पहन ली भाई मेरे पूरे में भाई, बस मैंने देखो यार बिना मेकअप के पूरा रील बनाया, तो यार फिल्टर लगा लगा के भाई ने मेरे बहुत मेहनत करी है भाई, फोटो तो खींच ही सकता था, सुंदर तो मैं लग रही हूँ, इसका डांस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। मम्मी तुम करके दिखाइए दादा, ये था मेरा आज का डांस, जो कि मैंने पता नहीं कितने टाइम बाद इतना रिहर्सल करने के बाद मैंने आज इसको परफॉर्म करके दिखाया आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय। A few moments later. बड़ी गुस्सा हो गई। देख के जाएगी। किसी के? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। यही तो मजे हैं जो मैंने होती है, यही मजे हो सब। मैं चली जाऊं। तो मैं तो यही सोच रही थी कि आज मेरी छुट्टी है, रुकेगी तो रुकी नहीं।